कि गुरु कौन है या वो जो गुरु खुद को बोल रहा है या जिसको लोग गुरु बोल रहे हैं वो एक्चुअल में गुरु है भी या नहीं। पहले कितने अच्छे अच्छे गुरु होते थे, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, कबीर, आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, जितू कृष्ण मूर्ति, और अब कैसे कैसे बाबा आते हैं, आशाराम, राम रहीम, रामपाल, नारायण साईं, स्वामी असीमानंद, नित्यानंद, स्वामी ओम। तो इस वीडियो में हम आपको भारत के बाबाओं की सच्चाई दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो क्योंकि हम एक ही टीम है यार। और आज हम इन सब बाबाओं की खबर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस हैंडसम बाबा की जिसने आधे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना रखा है। बागेश्वर बाबा का असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के एक गांव में 4 जुलाई 1996 में हुआ। बाबा जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। बाबा अलग अलग शहरों में जाके शोज करते हैं, वहां इतनी भीड़ आती है जितनी कॉमेडियन की शो पे भी नहीं आती है, विवेक बिंद्रा के सेमिनार में भी नहीं आती, किसी बॉलीवुड सेलेब के लिए भी नहीं आती, किसी नेता के रैली में भी नहीं आती, उनके पंडाल में लाखों की भीड़ आती है। महज 26 साल में ये बहुत पॉपुलर हो गया है। अपनी फैमिली की वजह से उसको बचपन से ही बहुत ज्यादा धर्म में रुचि, राम कथा और दिव्य दरबार स्टार्ट कर दिया। ये ज्यादा फेमस तब हो गए जब इनका दिव्य दरबार टीवी पे आने लगा और फिर ये सोशल मीडिया पे छा गए और कई हिंदुओं में लोकप्रिय हो गए। और कई लोगों का ये भी मानना है कि उनके फेमस होने के पीछे पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है और न्यूज चैनल वाले तो उनके चरणों में ही पड़े रहते हैं। बाबा जी ऐसे ही हर किसी का इलाज नहीं कर देते, चुने हुए लोगों को मौका मिलता है उनसे इलाज कराने का। बाबा जी ना सच बताओ खुद ही चुनते होंगे, देखिए वीडियोस में देखिए आप। और एक बार जरा इन वीडियोस पे नजर डालिए। पहला आदेश है नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है, है। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। अरे शादी का 4 हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आवा, आप दोनों ने भी लव विवाह किया था इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना, घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही, फिर हम और आगे बढ़ेंगे फिर बुरा लग जाएगा, तुम भी कम नहीं हो। अब आप ये सोच रहे हो कि अरे भारती क्या हो गया, अगर ये 2-4 बाबाओं ने पैसे कमा भी लिए तो बहुत पैसा है लोगों के पास। बट यहाँ पे बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो इंसान पैसे लूट सकता है वो इज्जत भी लूट सकता है। किसी की बहन बेटी बाबाओं के पास जाती है आपको क्या लगता है वो सेफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी ना सच बताओ क्यूनेट का एग्जाम्पल सटीक बैठता है। क्यूनेट के अप्लायंस ने भी फीमेल कलीग्स पे रेप अटेम्प्ट किया। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने और कुलदीप ने सामने सुने हैं और न जाने अभी कितने होंगे। पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना बहुत होता है, कभी ये सरकार की गोदी में बैठते हैं और कभी कभी सरकार इनकी गोदी में और इंडियन मीडिया इन दोनों की गोदी में। सब आजकल अंग्रेजी में प्रवचन देके इंटरनेशनल बाबा बने फिरते हैं। इनर इंजीनियरिंग, मेडिटेशन, समाधि, भारी भारी वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं। हाँ मैं सदगुरु की ही बात कर रही हूँ, साउथ इंडियन सांता क्लॉज है ये। गुरु का ईशा फाउंडेशन जो 150 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अलावा सदगुरु की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके बारे में उनसे कोई पूछ ले तो महाराज गुस्सा हो जाते हैं। हम जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे तो सदगुरु से हम उन्हें सैड गुरु बना देंगे। आसाराम बापू के फॉलोवर अभी भी ट्विटर पे उनको जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं जबकि माइनस के रेप के लिए सजा सुनाई जा चुकी है। और राम रहीम के फॉलोवर्स की भी यही कहानी है और वो अभी भी उनके अंधभक्त हैं और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गुफा में क्या क्या करते थे। राम रहीम को 20 साल की सजा मिली थी, उसके बाद भी ये पेरोल पे मैक्सिमम टाइम बाहर ही घूमता रहता है और अपने भक्तों से बातें करता है, उनको आशीर्वाद भी देता है। अंदर से ना वो अपने फॉलोअर्स पे हंसता होगा कि अभी भी नहीं समझ पाए बेचारे मुझे। और ये हैं गौरी गोपाल बाबा। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं, लिखा हुआ है। मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। उद्यतायुध दौरदंडई राधा वंतो भटान मृधे, राधा वंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है नाश मत करिए, आधा वंत है, आधा वंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं ये गलत बात, जिन्हें ना ठीक से
पढ़ना भी नहीं आता और ये निकालेंगे आपकी समस्या का समाधान। और एक बार आप इस बाबा को भी देखिए, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। अपने बालों के साथ साथ ये अपनी अकल भी कहीं छोड़ाया। उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस कल्चर। तो अब कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, आप कमेंट में केस का रिप्लाई करो। मुझे नहीं लगता अंधविश्वासियों के नुकसान गिनाने की मुझे कोई जरूरत है। आप पहले से जानते हो इन चीजों को कि ये हमारे देश के लोगों के लिए कितना खतरनाक है। अगर आपके किसी अपने को सीरियस हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, आप उन्हें किसी हॉस्पिटल में लेके जाओगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे या टोटके बताने वाले बाबाओं के पास? आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियल या रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप काम करके आपस में डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालोगे या बाबा जी का ही आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा? कुछ लोगों का पॉइंट होता है कि ऐसे जगहों पे जाके होप मिलती है, ऐसे वो इफेक्ट क्रिएट होता है। इन बाबाओं के सभाओं में जाने से अच्छा है ना कि आप मंदिर में जाइए। हमारे देश में इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, हर मोहल्ले में आपको एक मंदिर जरूर मिलेगा, नहीं तो सबके घर में एक छोटा सा मंदिर होता ही है। आप इन बाबाओं के पास जाके ना इनका ही पावर बढ़ाते, अपने फायदे के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं, अपना पैसा और पावर बढ़ाते हैं, हिंदू धर्म का नाम लेके अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे रोते फिरते कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ हो, हम तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें मेहनत करके ईमानदारी से पैसे नहीं कमाना, बस धर्म के नाम पे ढोंगी बाबा बनके लोगों को पागल बना के चंदा इकट्ठा करना है। इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपनी स्टोरी और स्टेटस में जरूर शेयर करना। आप अगर ऐसे डायरेक्ट किसी बंदे को भेजते हो उनमें से किसी पे बिलीव करता है तो वार्न कर रही हूँ के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप पे अपने इंस्टा स्टोरी पे जरूर शेयर करना, वरना ऐसे बाबा आते रहेंगे और हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। आपको चाहे जरूरत है या नहीं है, इतने गुरु हो गए हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी एड चला रहा है, और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हैं, इससे होगा क्या? आपकी पूरी लाइफ की धज्जियां होगी। तो आपको करना क्या चाहिए? बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ में आज के टाइम, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया में जा रहे हैं। अब आपको चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो पहले एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, फिर आपको अपना सॉल्यूशन ऑफर करेंगे। और उस सॉल्यूशन को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ऐसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए।